और विशाल संख्या में यहां आशीर्वाद देने आए पूज्य संतगण, मैं मैसूर की अधिष्ठात्री देवी कर्नाटक माता चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं। ये मां की कृपा ही है कि आज मुझे मैसूर आने का सौभाग्य मिला। मैसूर के विकास के लिए कई बड़े कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला और अब मैं यहां आप सब संतों के बीच इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के स्वयं को बहुत ही धन्यता अनुभवता हूं। और यहां से मैं मां चामुंडेश्वरी के चरणों में जाऊंगा, उनके भी आशीर्वाद लूंगा। इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं श्री सुत्तूर मठ के संतों, आचार्यों और मनीषियों को इस मठ की महान परंपरा, उसके प्रयासों को नमन करता हूं। विशेष रूप से मैं आदि जगतगुरु शिवरात्रि शिवयोगी महास्वामी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस आध्यात्मिक वटवृक्ष के बीज रोपा था। ज्ञान और अध्यात्म की उस महान परंपरा को आज सुत्तूर मठ के वर्तमान मठाधीश परम पूज्य श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी के आगे बहुत तेजी से उसको फल फूल रहा है। श्री मंत्र महर्षि जी द्वारा शुरू की गई पाठशाला ने श्री राजेंद्र महास्वामी जी के मार्गदर्शन में इतना विशाल प्रकल्प लिया। भारतीय संस्कृति और संस्कृत शिक्षा के लिए इट पाठशाला के नए भवन का लोकार्पण भी आज हुआ है। मुझे विश्वास है कि अपने इस आधुनिक और भव्य स्वरूप में ये संस्थान भविष्य निर्माण के अपने संकल्पों को उसे और अधिक विस्तार देगा। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए आप सभी को सर झुका करके अभिनंदन भी करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज मुझे श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और पतंजलि योग सूत्र पर अनेक भाष्यों के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे शास्त्रों में श्रुत परंपरा कहा गया है। श्रुत परंपरा यानी जो सुन लिया उसे मस्तिष्क और हृदय में धारण कर लिया। विश्व योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, नारद भक्ति सूत्र और शिव सूत्र के जरिए भक्ति योग और ज्ञान योग को सहज सुलभ बनाने का यह प्रयास, इसका लाभ न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। और मैं आज जब आप सबके बीच में हूं तो मैं कर्नाटक के जो विद्वत जन है उनसे प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में समाज विज्ञान पर जो कुछ भी लिखा गया है पिछले 4-5 शताब्दियों में, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो इस विषय के जानकार लोग इस बात पर पहुंचेंगे कि नारद सूक्त उससे भी पुराना है और समाज विज्ञान का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट संपुट हमारे पास है। दुनिया के लिए आवश्यक है कि एक बार अध्ययन करें। जो पश्चिम के विचारों को जानते हैं वो कभी
नारद सूक्त के माध्यम से दुनिया को देखने का, समाज व्यवस्था को देखने का, मानवीय मूल्यों को देखने का अद्भुत ग्रंथ ये नारद सूक्त है। और उसको आज आधुनिक परिभाषा में परिभाषित किया है, समाज की बहुत बड़ी सेवा की आपने। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ गढ़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया, लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यही पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में सुत्तूरु मठ, डांसू में सिद्ध गंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्री गेरे मठ, मुरुगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है। साथियों, सत्य का अस्तित्व संशोधन पर नहीं, सेवा और त्याग पर टिका होता है। श्री सुत्तूर मठ और जेएसएस महाविद्यापीठ इसका बड़ा उदाहरण है। श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी ने जब समाज सेवा का संकल्प लेकर निशुल्क हॉस्टल खोला था, तब उनके पास क्या संसाधन थे? किराए की इमारत थी, राशन आदि की व्यवस्था के लिए भी जरूरी पैसे नहीं थे। और मैंने सुना था कि एक बार पैसे के अभाव में हॉस्टल की चीजों की सप्लाई रुक गई तो स्वामी जी को लिंगम करडिगे भी बेचना पड़ा था। यानी उन्होंने सेवा के संकल्प को आस्था से भी ऊपर माना। दशकों पहले का वो त्याग आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने है। आज जेएसएस महाविद्यापीठ द्वारा देश से 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स और 2 यूनिवर्सिटीज देश विदेश में चल रही है। ये संस्थान न केवल भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर्स है, बल्कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। सुत्तूरु मठ गरीब बच्चों की, आदिवासी समाज की और हमारे गांव की जो सेवा कर रहा है वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। साथियों, कर्नाटका, दक्षिण भारत और भारत की बात हो, शिक्षा, समानता और सेवा जैसे विषय हो, तो ये विमर्श भगवान बसवेश्वर के आशीर्वाद से और विस्तारित हो जाते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी थी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। मेरा एक बार लंदन में
भगवान बसवेश्वर जी के प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला था। और उस समय मैंने कहा था कि एक तरफ मैग्ना कार्टा रखिए और दूसरी तरफ भगवान बसवेश्वर के वचन रखिए, आपको पता चलेगा कि मैग्ना कार्टा के पहले कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था उससे नजर आएगा। साथियों, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए श्री सिद्धगंगा मठ आज 125 से ज्यादा इंस्टीट्यूट चला रहा है, समाज में शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार कर रहा है। और मुझे बताया गया है कि सिद्धगंगा मठ के स्कूलों में इस समय करीब 10,000 विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। साथियों, आज जब हम देश की आजादी के 75 साल मना रहे हैं तो आजादी के अमृत काल का ये कालखंड सबके प्रयास का उत्तम अवसर है। हमारे ऋषियों ने सहकार, सहयोग और सबके प्रयास के इस संकल्प को सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै जैसी वेद ऋचाओं के रूप में हमें दिया है। आज समय है हम हजारों सालों के उस आध्यात्मिक अनुभव को साकार करें। आज समय है कि हम गुलामी के सैकड़ों वर्षों में देखे गए सपनों को साकार करें। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को और गति देनी होगी, हमें अपने प्रयासों को राष्ट्र के संकल्पों के से जोड़ना होगा। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदाहरण हमारे सामने है। शिक्षा हमारे से भारत के लिए सहज स्वभाव रही है। इसी सहजता के साथ हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। कन्नड़, तमिल, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत जैसी भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे सभी मठ और धार्मिक संस्थान इस कार्य में सदियों से लगे हुए हैं। मैसूरू तो ऐसी जगह है जहां से देश का एकमात्र संस्कृत दैनिक अखबार सुधर्मा आज भी प्रकाशित हो रहा है। अब देश भी आपके इन प्रयासों में अपना सहयोग दे रहा है, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है। हमारा प्रयास है कि देश का एक भी नागरिक अपनी विरासत से अनभिज्ञ और वंचित न रहे। इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संस्थानों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वच्छ भारत के लिए भी हम सबको मिलकर आगे आना होगा। एक और महत्वपूर्ण संकल्प प्राकृतिक खेती का भी है। हमारा अन्न जितना शुद्ध होगा हमारा जीवन भी, और अन्न शुद्ध हो तो मन शुद्ध उतना ही स्वस्थ और पवित्र होगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी हमारे सभी धार्मिक मठ और संस्थान आगे आकर लोगों को जागरूक करें। हमारी इस भारत माता, हमारी धरती माता, उसको हम केमिकल से मुक्त करें, इसके लिए हम जितना करेंगे ये मां के आशीर्वाद सदियों तक हमारे काम आने वाले हैं। साथियों, जिस कार्यों में संतों का प्रयास जुड़ जाता है उस कार्य में आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। मुझे विश्वास है आप सभी संतों का आशीर्वाद निरंतर देश को मिलता रहेगा।
हम साथ मिलकर नए भारत का सपना पूरा करेंगे। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की पल है, पूज्य संतों ने जिस प्रकार से मेरे लिए अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, मैं जानता हूं जो कुछ भी मेरे लिए कहा गया है अभी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि संतों के आशीर्वाद, हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आप सब संतों की मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, आप ही मुझे गढ़ते रहेंगे, आप ही मुझे दिशा देते रहेंगे और मैं आपके दिशा निर्देश से, संतों के मार्गदर्शन से, महान विरासत की प्रेरणा से उन कार्यों को पूरा कर पाऊं। यह ऐसे आशीर्वाद आप लोग मुझे दीजिए ताकि मेरे काम में कोई कमी न रह जाए और आपकी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी एक मेरी भावना को व्यक्त करते हुए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, मेरा जीवन धन्यता अनुभव कर रहा है। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। एल्लारिगो नमस्कार। I profusely thank Honorable Prime Minister for his inspiring words.